गुड मॉर्निंग दोस्त, मैं रणधीर सर। और पहले सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि आप लोग अब फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, फिफ्थ सेमेस्टर का पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो मतलब कि आप लोग अब मतलब कि फिफ्थ सेमेस्टर का स्टार्ट करने वाले, इसका कहने का मतलब है कि आप नौकरी के काफ़ी करीब जा रहे हैं। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ के बाद नौकरी, सिक्स के बाद जूनियर इंजीनियर आप बनने के कगार पे रहिएगा। तो आप अपने आप को डेवलप कीजिए। कैसे डेवलप किया जाएगा, क्या किया जाएगा, ताकि आपके पास अब एक साल और टाइम है। सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके पास अब बस एक ही साल टाइम है। ये आप सोचिए, ये मत सोचिए कि अभी मेरा अभी डिप्लोमा ख़त्म होगा, ये होगा, वो होगा, अभी नहीं। आपके पास बस एक साल टाइम है और एक साल के बाद आपको नौकरी लेना है, ठीक। फोर्थ सेमेस्टर में हम आप लोगों को पढ़ाए थे नेटवर्क थ्योरी। फिफ्थ सेमेस्टर का जो टॉपिक है उसमें हमको मिला है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इसलिए हमको पढ़ाने के लिए मिला है क्योंकि सिक्स सेमेस्टर में एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। तो उसी कंट्रोल सिस्टम को, वो जो कंट्रोल सिस्टम है उसी को पूरा ब्रीफ में पढ़ने के लिए फिफ्थ सेमेस्टर में एक टॉपिक उसी से रिलेटेड दिया है जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बोला जाता है। पॉइंट क्लियर? क्या क्या बोले भाई, क्या क्या बोले? ये फिफ्थ सेमेस्टर का एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इसका रिलेशन सिक्स सेमेस्टर में एक लीनियर कंट्रोल सिस्टम करके एक टॉपिक है आप लोगों का, उससे है, बहुत इंपॉर्टेंट। जिस तरह से नेटवर्क थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसी तरह से ये भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर कंपटीशन में, हर एग्ज़ाम में एकदम सवाल, इसके बिना एग्ज़ाम नहीं होता। यही सोच लो कि अगर आप मान लिया कि कोई एग्ज़ाम देने गए, उसमें मान लिया कि 100 सवाल पूछा है, तो 100 सवाल में कम से कम तो भाई कंट्रोल सिस्टम से तो कितनों कम से कम तब 6 से 7 सवाल तो रहेगा ही रहेगा। जिस तरह से नेटवर्क थ्योरी से 6-7 सवाल फिक्स रहता है, उसी तरह से कंट्रोल सिस्टम से 6 से 7 सवाल फिक्स रहता है। फिर आप लोगों का पावर सिस्टम हो गया, फिर आप लोगों का मशीन हो गया, ईसम से सवाल अलग होना है, लेकिन ईसम से भी सवाल इतना सारा आता है। तो मैं फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। दिस वन द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज हम सिक्स सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। जो हम फिफ्थ सेमेस्टर में ये टॉपिक को पढ़ेंगे, इसका यूज हम सिक्स सेमेस्टर में करने वाले हैं। जो फोर्थ सेमेस्टर में पढ़े हैं उसका यूज हम फिफ्थ सेमेस्टर में करेंगे, ठीक है। और सबसे पहली बात हम क्या बोले थे, सबसे पहले क्या बोले कि अब आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर में चले गए, मतलब कि अब आप लोगों के पास एक साल और समय बचा है, उसके बाद आपको हर हालत में नौकरी ले लेना है। नौकरी नहीं लीजिएगा तो भाई डिप्लोमा किसी काम का नहीं रहेगा, हाथ में वो डिग्री आ गया, धर के झुंझुना ऐसा बजाते रहो। तो आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को सोचिए समझिए कि हमको कैसे कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, कैसे क्या करें ताकि हमको सिक्स सेमेस्टर पास होते होते नौकरी लग जाना चाहिए। समझ रहे बात को, कुछ समझ में आ रहा? सिक्स सेमेस्टर नेक्स्ट ईयर में आप सिक्स सेमेस्टर पास आउट हो जाइएगा, ठीक। एक दो महीना के बाद आपका पूरा का पूरा मार्कशीट जो भी है, सर्टिफिकेट जो हो, हाथ में डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आ जाएगा कि आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, डिप्लोमा कर लिए हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, लेके कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बड़ा दिक्कत है भाई। इसलिए अभी से आपको सबसे पहला बात सुनो क्या बोल रहे हैं, अभी से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, फिफ्थ सेमेस्टर से ही प्रिपरेशन करना पड़ेगा। फिफ्थ सेमेस्टर से ही क्वेश्चन बैंक कर दो और देखो किस किस पैटर्न का सवाल आता है, क्या क्या पूछता है। हम तो बोले भी थे कि यूथ पब्लिकेशन का किताब खरीद लीजिए और SSC JEE का क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए, एकदम हम बोले भी थे। आप वही काम कीजिए, यूथ पब्लिकेशन याद रखिएगा, हर हालत में करना है, नहीं कीजिएगा भाई तो किसी काम का नहीं है। ये डिग्री ले लीजिए, घरे चल जाइएगा, घर में जाकर 10 आदमी कमेंट करेगा तब वो की कर रहा है। एकदम याद रखिएगा कि यूथ पब्लिकेशन का एक क्वेश्चन बैंक आता है, एकदम हर हालत में आपको ये खरीद लेना है। रेड कलर का आता होगा, ऑनलाइन मिलेगा, कभी कभी मार्केट में मिलता है लेकिन मार्केट में बहुत जल्दी शॉर्टेज हो जाता है। ये ऑनलाइन आप मंगवा लीजिए, फ्लिपकार्ट से मंगवा लीजिए, अमेजन से मंगवा लीजिए, किसी से मंगवा लीजिए। यूथ पब्लिकेशन इलेक्ट्रिकल का, किसका भाई, इलेक्ट्रिकल का, एकदम हर हालत में मंगवा लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बोले थे कि आप SSC JEE का क्वेश्चन बैंक मंगवा लीजिए, क्वेश्चन बैंक मंगवाइए, टॉपिक वाइज
टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज कहने का मतलब, टॉपिक वाइज कहने का मतलब ये हुआ कि पूरा मेजरमेंट का सवाल एक जगह रहेगा, पूरा कंट्रोल सिस्टम का सवाल एक जगह रहेगा, पूरा नेटवर्क थ्योरी का सवाल एक जगह रहेगा, पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल एक जगह रहेगा, पूरा मशीन का सवाल एक जगह रहेगा। पिछले 20 साल में जो जो सवाल पूछा है सबके सब एक जगह कम्बिनेशन करके इस तरह से डिजाइन करके किताब निकालता है, ठीक है ना। किसी का भी ले लो, चाहे आप मेड इजी का ले लो, चाहे आप एस एकेडमी का ले लो, किसी का भी ले लो, आप मेड इजी का ही ले लेना, ज़्यादा वो ज़्यादा अच्छा है। मेड इजी का आता है, मेड इजी, ये बुक एकदम हर हालत में रखिए भाई, समझिएगा कि यही दोनों बुक आप लोगों का बाइबिल है, कुरान है, गीता है, जो समझ लो सबके सब यही है। ये दोनों बुक अगर आप रट जाते हैं एक साल के अंदर में, तो हम पे बिलीव कीजिए, जो हम बोल रहे हैं उस पे आप बिलीव कीजिए, अगला एक साल के बाद आपके हाथ में 4200 ग्रेड पे का नौकरी होगा। 4200 JEE जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो पेमेंट होता है वो 9300 से लेकर 13500 का स्केल होता है, 13500 या 6 होता है, और 4200 ग्रेड पे होता है। मिला जुला कर जो फर्स्ट हैंड में आपका सैलरी मिलेगा, पहला जो दिन सैलरी मिलेगा वो मिलेगा 38,000 रुपया, कम से कम 38,000 रुपया। PGCIL में चल जाइएगा, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में चल जाइएगा, तब 42,000 मिलेगा। NTPC में चल जाइएगा, तब उसमें NTPC में 42-45,000 उसमें भी मिलेगा। गेल में चल गए, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में चले गए, तो कम से कम 60,000 मिलेगा। ONGC वाइल्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन में चले गए, मत पूछो, बड़ी पैसा मिलेगा। DRDO इसरो इसमें बहुत पैसा मिलेगा। लेकिन आपके पास अभी भी हम बोल रहे हैं भाई, मात्र एक साल समय बचा है, एक साल के अंदर में आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, जब पास आउट हो जाइएगा तो आप नहीं पढ़ पाइएगा। क्या बोले हम, जब आप पास आउट हो जाइएगा तब सोचिएगा कि पास आउट होने के बाद ज़रा तैयारी करते हैं, तो नहीं कर पाइएगा, क्योंकि पास आउट होने के बाद ना टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप लोग नया नया स्टूडेंट है, हम पिछले 10-11 साल से यही देख रहे हैं, जिसको जिसको हम बोले, जो जो लड़का सीरियस रहा वो एकदम पास आउट होते, पास आउट हुआ और 6 महीना के अंदर में उसको नौकरी लग गया, और जिसको नहीं हुआ उसको 5 साल जाके झका है, 5 साल जाके इधर उधर घूमा है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी कोचिंग करते रह गया, 5 साल 6 साल 7 साल के बाद उसको कहीं कहीं छोटा मोटा जगह नौकरी लगा। क्या बोल रहे हैं, एकदम सीरियस रहिए, अब सीरियस हो जाइए, पढ़ाई कीजिए। फिफ्थ सेमेस्टर आ गया है, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर बचा हुआ भाई, आप लोग के पास मोटा मोटी 1 साल टाइम और है। इतना दिन में ही अब आपको मस्ती एकदम नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। हालांकि हम तो बोले थे कि 4 सेमेस्टर से ही एकदम लग जाइए जम के, ठीक है ना, लेकिन हम जानते हैं मेरे बोलने से कुछ होता नहीं है। बहुत सारा लड़का रहता है, अगर 100 लड़का है तो 100 लड़का में 20 लड़का ये है जो मेरा बात को फॉलो करता है, बाकी 80 लड़का है जो बोलता है ये तो हर बार की तरह सर बोलिए रहे हैं। लेकिन बाबू अब आप लोग सीरियस हो जाइए, फिफ्थ सेमेस्टर है, नहीं तो आप लोग फंस जाइएगा, खैर आप लोगों का मर्जी, ठीक है ना। तो यही बात हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो ये फिफ्थ सेमेस्टर के टॉपिक में, फिफ्थ सेम इलेक्ट्रिकल में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है क्या? तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एक ऐसा चीज़ है जिसमें इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारा चीज़ बनता है और उसमें क्या क्या चीज़ का ज़रूरत रहता है। तो कुछ कुछ चीज़ ऐसा होता है जो आपको, जिसमें ह्यूमन का, आदमी का अफर्ट, आदमी का काम थोड़ा कम कर सके, उस वैसा चीज़ का यूज किया जाता है। प्लस जैसे छोटा सा एग्जांपल, आपके घर में वो पंखा है, सेलिंग फ़ैन है ना जी, तो सेलिंग फ़ैन लाए, लगा दिए, लेकिन वो जब सेलिंग फ़ैन लाए तो उसके जगह पर आप वो रेगुलेटर भी लगाते हैं। सेलिंग फ़ैन तो वो मशीन हो गया, रेगुलेटर क्या हो गया? रेगुलेटर हो गया उसको कंट्रोल करने के लिए, कि आपको अगर आपको ज़्यादा स्पीड में चलाना है तो उसको हाई कर दीजिए, अगर आपको कम स्पीड में चलाना है तो उसको क्या करिए, लो। तो हम यहाँ पर जो रेगुलेटर है रेगुलेटर का जो फंक्शन है उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एक ऐसा टॉपिक रहेगा जिसमें इंडस्ट्रीज में यूज होने वाला, जो हमारे सुविधा के अनुसार, हमारे प्रॉफिट के अनुसार, हमारे अनुसार से काम कर सके,
एग्जाम्पल के तौर पे, नेक्स्ट एग्जाम्पल, कहीं कुछ ऐसा चीज़ है जहाँ पे लोहा गलाना है, हम चाहते हैं जैसे जैसे एनटीपीसी बाढ़ है। एनटीपीसी बाढ़ में क्या होता है भाई कि कोयला को जला के उससे स्टीम डेवलप किया जाता है, मतलब भाप बनाया जाता है, उससे टरबाइन घुमाया जाता है, उससे बिजली क्रिएट होता है। अगर हीट बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर कोयला बहुत ज़्यादा, मतलब कि कोई आदमी ध्यान नहीं दिया, कोयला बहुत ज़्यादा चला गया उसमें, तो हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगा भाई। हीट ज़्यादा हो जाएगा तो सारा का सारा टरबाइन है जो है सब के सब फट जाएगा, गर्म से तो फट ही जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगा, था नहीं हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे, उससे बचने के लिए उसको हम कंट्रोल करेंगे। किसको कंट्रोल करेंगे, उसके हीट को कंट्रोल करेंगे, हीट को कंट्रोल करेंगे सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो वही जो हीट को कंट्रोल करने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, वही होता है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में इंडस्ट्रीज में जो चीज़ यूज किया जाता है, ऑटो मतलब पार्ट्स, इंडस्ट्रीज में किस किस पार्ट का यूज किया जाता है उसी के बारे में हम पढ़ाई इसमें करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है ऑटोमेशन, कि ऑटोमेशन क्या होता है, इसका क्या ज़रूरत है, यही सब टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक में। आप लोगों को जो पढ़ना है ऑटोमेशन पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है नीड फॉर ऑटोमेशन, एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोमेशन, कि ऑटोमेशन क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ा। जैसे अभी हम एग्जांपल लिए कि एनटीपीसी बाढ़ में अगर कोयला हीट बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगेगा और वहाँ पर आपके पास वैसा व्यवस्था नहीं रहेगा तो आप क्या कीजिएगा। दूसरा एग्जांपल, कहीं आपके घर के बगल में आग लग गया तो अगर आग लग गया तो आग को बुझाना पड़ेगा, तो बुझाने के लिए क्या होगा, पानी का व्यवस्था चाहिए भाई। अब पानी बाल्टिया कितना लेगा, तो वो एक गैस आता है, गैस का व्यवस्था होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये जो पानी का व्यवस्था हुआ, गैस का व्यवस्था, ये सब क्या हो गया, ये एक ऐसा चीज़ हो गया जो आपके उस सिस्टम को डैमेज होने से बताता है, उसको कंट्रोल कर लेता है, आग को कंट्रोल कर लेता है। तो वही टॉपिक हमको पढ़ना है इसमें फर्स्ट में, ऑटोमेशन किसे कहते हैं, ऑटोमेशन का क्या ज़रूरत है, ऑटोमेशन का क्या रिक्वायरमेंट है, यही सब आप लोगों को हमको इसमें पढ़ना है, एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है कंट्रोल सिस्टम। बाबू देखो यहाँ पर तो एक टॉपिक खाली दे दिया कंट्रोल सिस्टम, लेकिन टॉपिक नहीं है ये, पूरा वो चैप्टर है कंट्रोल सिस्टम का, स्पेशल किताबें सब आता है बहुत सारा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एक्चुअली में जो कंट्रोल सिस्टम है आप लोगों को सिक्स सेम में पढ़ना है लीनियर कंट्रोल सिस्टम पढ़ना है। तो अभी यहाँ पर आपको कंट्रोल सिस्टम नहीं पढ़ना है, बल्कि कंट्रोल सिस्टम के बारे में ब्रीफ नॉलेज चाहिए, जो सेकंड यूनिट आप लोगों को दिया है। फर्स्ट यूनिट दिया है ऑटोमेशन किसे कहते हैं, ऑटोमेशन का क्या ज़रूरत है, इसका एडवांटेज क्या है। नेक्स्ट है कंट्रोल सिस्टम, तो कंट्रोल सिस्टम के बारे में भी नहीं पढ़ना है। कंट्रोल सिस्टम ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लीनियर कंट्रोल सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक, 10-11 टॉपिक दिया है उसमें, आपको सिक्स सेमेस्टर में पढ़ना है। तो यहां पर जो कंट्रोल सिस्टम दिया है, इस कंट्रोल सिस्टम में आपको सिर्फ यह जानना है कि कंट्रोल सिस्टम किसे कहते हैं, कंट्रोल सिस्टम कितने तरह का होता है, और कंट्रोल सिस्टम का क्या क्या छोटा छोटा काम है, क्या क्या करते हैं। जैसे अभी हम आपको सबसे पहले एग्जांपल दिए थे, आपके घर में वो सेलिंग फैन है, सेलिंग फैन का स्पीड अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको कम करना है, तो कम करने के लिए क्या करते हैं, रेगुलेटर का यूज करते हैं, रेगुलेटर को जब घुमाते हैं तो उसका स्पीड घटता है। तो रेगुलेटर क्या हो गया, रेगुलेटर फैन को कंट्रोल करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को यही पढ़ना है कंट्रोल सिस्टम करने के मतलब कि इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करने के लिए कैसे कैसे काम किया जाता है, कौन कौन सा इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, पॉइंट क्लियर ना। नेक्स्ट है कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स। अब जो कंट्रोल सिस्टम आप पढ़िएगा, इसमें कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अभी हम बताए थे फैन को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर, तो रेगुलेटर क्या हो गया, कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट हो गया। कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट एंड इलेक्टिव एक्टुएटर्स, तो ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में मतलब बताता है कि आप इस कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या चीज़ यूज कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ यूज कीजिएगा ताकि ये कंट्रोल किया जाएगा, ये कंट्रोल किया जाएगा, पढ़ के लिए ना। तो ये सब इसमें पढ़ना रहता है, किसमें भाई, कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स में, ठीक है, ये आप लोगों को पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट है कंट्रोलर एंड कंट्रोल एक्शन। कहने का मतलब कि आप जब सिस्टम का इस्तेमाल कीजिएगा, आप जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कीजिएगा, तो उसका क्या एक्शन होगा,
जैसे रेगुलेटर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रेगुलेटर का इस्तेमाल करने से आपका पंखा पे क्या एक्शन हुआ, या तो स्पीड घट जाएगा नहीं तो स्पीड बढ़ जाएगा। रेगुलेटर पंखा के स्पीड को घटा भी देता है नहीं तो बढ़ा भी देता है। तो वही है कंट्रोलर एंड कंट्रोल एक्शन, कि आप अगर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका क्या क्या चीज़, उसका इफेक्ट पड़ने वाला है किस पे, आपके इंडस्ट्रीज पे, आपके इंडस्ट्रीज पे। यहाँ पर हम इंडस्ट्रीज का ना बात कर रहे हैं जी, कि अगर आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट एक डिजिटल कंपोनेंट समझो है, इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल, PLC, प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल। ये भी आप पढ़िएगा 6th सेमेस्टर में, 6th। ये यहाँ पर बस खाली ब्रीफ नॉलेज इसमें दिया है, लेकिन एक्चुअली में ये पढ़ना है आप लोगों को 6th सेमेस्टर में। 6th सेमेस्टर में पढ़ना है माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर बारे में, इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़िएगा। यहाँ पर आपको दिया है, बहुत छोटा सा दिया है, एक इंट्रोडक्शन, एडवांटेज डिसएडवांटेज और ब्लॉक डायग्राम ऑफ PLC, बस इतना ही दिया है। इसमें ज़्यादा कुछ यहाँ पर आप लोगों को पढ़ने के लिए नहीं दिया है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए आप लोगों को नहीं दिया है, ठीक है ना। तो ये मेनली पढ़ना रहेगा आप लोगों को 6th सेमेस्टर में। जैसे देखिएगा इसमें भी बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं दिया है, ये मेनली पढ़ना है 6th सेमेस्टर में। लेकिन यहाँ पर आपको भाई कंट्रोल सिस्टम दिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम, बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ट्रांसफर फंक्शन, ब्लॉक डायग्राम, रिडक्शन टेक्निक, तो यही सब, यही 3-4 वो टॉपिक दिया है। लेकिन इतना ही नहीं होता, इसमें बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो देखिएगा, तो आप जब 6th सेमेस्टर में जाइएगा, 6th सेमेस्टर में जाइएगा, तो ये वाला टॉपिक, ये जो अभी आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़िएगा, वो पूरा एक चैप्टर पढ़िएगा। 6th सेमेस्टर में जाइएगा तो यहाँ पर जो आप इंट्रोडक्शन में पढ़िएगा, ये पूरा एक चैप्टर पढ़िएगा माइक्रो प्रोसेसर में, और ये किस में, लीनियर कंट्रोल सिस्टम में। तो ये 6, जैसे कि आपको एक सेमेस्टर में 5 गो पेपर होता है ना जी, तब 5 पेपर में समझिए ये वो पेपर है आपका, यहाँ पर ये वो पेपर रहेगा, ये वो नया पेपर बनेगा, जिसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ये PLC जो होता है, PLC प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर, तो इसका एक नया टॉपिक चैप्टर बनता है, जिसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। इसके लिए वो अलग से बुक लेना पड़ेगा। यहाँ पर जो है इसके लिए एक अलग से टॉपिक बनता है, जिसको बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम। क्या बोलते हैं, कंट्रोल सिस्टम बोला जाता है। एक नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम कहने का मतलब, आप हम आपको पढ़ाए थे सिग्नल्स के बारे में। सिग्नल दो तरह का होता है, एगो एनालॉग सिग्नल होता है और एगो डिस्क्रीट सिग्नल होता है। तो डिस्क्रीट सिग्नल का जो मैथमेटिकल एनालिसिस होता है, वही पढ़ना है किस में, डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम में पढ़ना रहता है। तो आपको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में टोटल 6 यूनिट पढ़ना है। फर्स्ट में है ऑटोमेशन, कि ऑटोमेशन किसे कहते हैं, डिफिनीशन, इसका जरूरत क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है। नेक्स्ट में कंट्रोल सिस्टम, तो कंट्रोल सिस्टम का यहाँ पर ब्रीफ नॉलेज है, बाकी पूरा का पूरा 6th सेमेस्टर में आप पूरा का पूरा डिटेल से पढ़िएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट एंड इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स, तो ये कंट्रोल सिस्टम में कौन कौन सा कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोलर एंड कंट्रोल एक्शन, कहने का मतलब कि कंट्रोल सिस्टम जो कंपोनेंट का आप इस्तेमाल किए हैं तो उसका क्या क्या रिजल्ट आएगा बाहर। जैसे हम आपको बोले कि आपको पंखा को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो पंखा हो गया इंडस्ट्रीज, रेगुलेटर हो गया कंट्रोल सिस्टम। अब वो आप इस्तेमाल किया, आप उसको घुमाए रेगुलेटर को, तब पंखा क्या हो गया भाई, पंखा का स्पीड घट गया, तो वो क्या हो गया, वही हो गया कंट्रोलर एंड कंट्रोल एक्शन, ठीक है ना। कंट्रोलर एंड कंट्रोल एक्शन, ये आप लोगों को पढ़ना है, ये आप लोगों को पढ़ना है। प्रोपोर्शनल एक्शन, प्रोपोर्शनल इंटीग्रेशन एक्शन, प्रोपोर्शनल इंटीग्रेशन डिफरेंशियल एक्शन, सारा का सारा एक्शन का नाम इसमें हम बताते चलेंगे कैसे कैसे होता है। कि एक होता है भाई कि आप यहाँ बढ़ाएं तो वहाँ बढ़ गया, आप यहाँ बढ़ा रहे हैं लेकिन वहाँ बढ़िए नहीं रहा है, एक सर्टेन लिमिट के बाद बढ़ेगा। तो हर टाइप का इसमें आता है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही मस्त टॉपिक है। नेक्स्ट है प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल। ये 6th सेमेस्टर में जो माइक्रो प्रोसेसर है ना, उसमें पूरा डिटेल में, इसमें बहुत कम दिया पढ़ने के लिए, मात्र 3-4 को टॉपिक दिया है आप लोगों को, तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं दिया। लेकिन एक नया चैप्टर बनता है, इसके लिए वो स्पेशल बुक आता है गोनकर का, नहीं तो बीराम का, ठीक है ना, ये वाला बुक। और नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम, तो ये भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं दिया, मात्र एक टॉपिक दिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम में एक टॉपिक दिया है, ठीक है ना। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा ये आप लोगों को नहीं दिया, क्योंकि इसीलिए, क्योंकि ये कंपटीशन के व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ गए ना। तो आप लोगों को मैं 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल वाले को जो इस 5th सेमेस्टर में जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो रहेगा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन रहेगा। साथ ही साथ आप लोग ये यूथ पब्लिकेशन का किताब और SSJEE का क्वेश्चन बैंक खरीदिए और बनाते चलिए भाई, अब बनाते चलिए। कैसे 3rd सेमेस्टर में मेजरमेंट पढ़ा था उसको ही बनाओ,
ठीक है ना जी। थर्ड सेमेस्टर में तुम एनालॉग पढ़ा था उसको भी बनाओ, थर्ड सेमेस्टर में तुम जो जो टॉपिक पढ़ा था सबको बनाओ, फोर्थ सेमेस्टर में जो पढ़ा है पांच पेपर पांचों ब्रांच पेपर सब बनाओ, खाली ये उसमें एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग से सवाल उवाल नहीं आता है तो उसको आप छोड़ सकते हो। फिर फिफ्थ सेमेस्टर में जितना पढ़ेगा सब इम्पॉर्टेंट सबको बनाइए, एकदम ये सब किताब खरीदिए और एकदम ग्रंथ की तरह रखिए बाबू, डेली पलट पलट के देखते रहिए, डेली सवाल 50 को 100 को 50 को बनाते रहिए, नहीं बनाइएगा बहुत तो फंस जाइएगा, नहीं बनाइएगा तो एक साल के बाद डिग्री हाथ में रहेगा और किसी काम का नहीं रहेगा। पॉइंट क्लियर आ रहा समझ में? हम ये नहीं आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं कि आप पढ़ाई कीजिए भाई। कोई आदमी अगर सोचेगा कि हमको डिग्री मिल गया हमको नौकरी हो गया तो अब ये सिस्टम ख़त्म हो गया, डिग्री मिल गया नौकरी मिल गया इसी सिस्टम ख़त्म हो गया भाई। डिग्री मिल गया मेहनत करे पड़ेगा तब नौकरी भी मिलेगा, क्योंकि आप इस इंसान डिग्री लेने वाले हैं, पूरा इंडिया में हर साल 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट होता है, पूरा इंडिया में इलेक्ट्रिकल ब्रांच से डिप्लोमा करने वाला 1 लाख से कम स्टूडेंट नहीं रहता। आप जोड़ लो, तुम देख लो भाई, बिहार में 3000 स्टूडेंट है समझा, जबकि यहाँ 44 पॉलिटेक्निक कॉलेज है, और उत्तर प्रदेश में चल जाओगे तो 510 पॉलिटेक्निक कॉलेज है, 510 पॉलिटेक्निक कॉलेज, और हर कॉलेज में इलेक्ट्रिकल है और हर कॉलेज में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 200 लड़का रहता है, समझ रहा बात को, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 200 लड़का रहता है। खैर आप लोग देख लीजिएगा, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आपको ये कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा भाई, बिना पढ़ने कोई उपाय नहीं है, बिना पढ़ने कोई उपाय नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही आप लोगों को हम ये टॉपिक पढ़ाएंगे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, सबके बारे में हमें ब्रीफ बता दिए कि क्या क्या चीज़ होता है, आप लोगों के पास भी सिलेबस भी होगा, इसके लिए जो बुक्स होगा, इसके लिए जो बुक्स आपको लेना है समझे ना, इसके लिए जो आपको बुक्स लेना है, इसके लिए जो आप लोगों को बुक्स जो लेना है, बुक्स कौन कौन सा लेना है भाई, तो इसके लिए आप एक बुक ले लीजिएगा, एक बुक ले लीजिएगा नागरथ एंड गोपाल, एक बुक ले लीजिएगा नागरथ एंड गोपाल का बुक ले लीजिएगा, ये एक इंडियन लैंग्वेज में लिखा हुआ बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है। एक और लेना चाहते हैं तो समरजीत घोष ये भी एक अच्छी बुक है, तो आप ये दो बुक प्रिफर्ड कर सकते हैं, दोनों बुक ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, लेकिन एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है भाई कि ये दोनों बुक में ये टॉपिक नहीं मिलेगा, कौन वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक किसी भी बुक में नहीं, जो स्पेशल ऑटोमेटिक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का बुक जो छापा है उसमें हो सकता है, ऐसे अगर कोई स्टैंडर्ड बुक खोजिएगा, अगर आप स्टैंडर्ड बुक खोजिएगा तो आपको नहीं मिलेगा, आप जाके बोलिएगा मार्केट में दुकान में कि हमको नागरथ एंड गोपाल या समरजीत घोष का कंट्रोल सिस्टम का बुक दे दो, कंट्रोल सिस्टम का बुक दे दो, तो आपको ये दे देगा, बड़ा ही फेमस बुक है, इसमें पूरा इंडिया में सब यही पढ़ता है, बहुत ही फेमस बुक है, और ये इंडियन लैंग्वेज में है, आप लोगों के लिए सही होगा। अगर आपको हम फॉरेन राइटर का किताब बता दें कि चैंग का खरीद लो, लुई का खरीद लो, ये खरीद लो, तो उस हमसे कोई फ़ायदा नहीं है, चैंग का बुक खरीदवा दिए, लियो का बुक खरीदवा दिए, अब पढ़ रहे हैं, ये किताब लाए हैं खरीद कर रखल है, नया का नया रखल है, जब उलटते हैं जब नींद आता है, तो इस हमसे कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग नागरथ गोपाल खरीद लीजिए या तो आप लोग समरजीत घोष खरीद लीजिए, इसमें थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है, समरजीत घोष में थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है, मतलब कम लिखा है, लेकिन नागरथ गोपाल में एकदम पूरा डिटेल में हर चीज़ लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा से लिखा हुआ है, तो आपको जो मन करता है वो बुक खरीद सकते हैं, बहुत ही अच्छी है बुक्स है। मेरे जिम्मे में हमारे पास मात्र एक टॉपिक हमको मिला इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं बनेगा, आप लोग इसके लिए आपको आप लोग इसके लिए 150 पेज का नोट्स बना लीजिएगा, 150 पेज का नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये देखिएगा ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं होगा, ये 5 से 6 पेज में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना, ये 5 से 6 पेज में ख़त्म हो जाएगा, फिर देखिएगा ये वाला भी 3-4 पेज में ख़त्म हो जाएगा, ये वाला 10 से 12 पेज में ख़त्म हो जाएगा, तो आपको मेनली ये वाला और ये वाला यही तीन टॉपिक आप लोगों को सबसे ज़्यादा पढ़ाई करना है, ठीक है ना। तो आप लोगों को 150 पेज का नोट्स में हो जाएगा बहुत ही अच्छा तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये टॉपिक ऐसा है जैसे देखिए, इसके पहले हम पढ़ाए थे आप लोगों को नेटवर्क थ्योरी, तो वो 100% एकदम न्यूमेरिकल टॉपिक था, सिर्फ सवाल है बनाना है मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन करना था कि नहीं। लेकिन इसमें क्या है भाई, इसमें 50% मैथमेटिक्स रहेगा, 50% न्यूमेरिकल टॉपिक है ये,
न्यूमेरिकल है एंड 50% थ्योरी है, 50% थ्योरी है। डेफिनेटली अगर कोई भी इंडस्ट्रीज़ का कंट्रोल के बारे में पढ़ेगा तो पहले उसमें थ्योरी पढ़ना पड़ेगा कि हीट को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था, पहले उसके बारे में पूरा पढ़े पड़ेगा, फिर उसमें कैसे कंट्रोल करता है वो पढ़ना पड़ता है कि नहीं। तो ये जो टॉपिक है उसमें 50% न्यूमेरिकल्स है और 50% थ्योरी है बाबू, ये आप दिमाग में रखिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि सर ये तो आप सर नेटवर्क में पढ़ा देते सर तो पूरा का पूरा एकदम न्यूमेरिकल था, इसमें भी यही होना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है, इसमें 50-50 रहेगा, ठीक है ना। 150 पेज का नोट्स बनाइएगा, इससे ज़्यादा आप लोगों को होने वाला इसमें नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक ये नहीं दिया है, एक छोटा सा टॉपिक है। हाँ, लेकिन इसी का इस्तेमाल कीजिएगा 6th सेमेस्टर में कंट्रोल सिस्टम, लीनियर कंट्रोल सिस्टम, कम से कम 400 पेज का कॉपी बनता है एकदम, जितना बड़ा 11 वो यूनिट दिया है और सब भयानक, समझे, कभी 400 पेज 400 से भी ज़्यादा चल जाता है, ठीक है ना। खैर वो नेक्स्ट सेमेस्टर का बात होगा। तो यही आप लोगों का है, आप लोगों को हम सब कुछ बता दिए। बुक्स खरीदना है भाई नागरथ गोपाल एंड समरजीत घोष, इन दोनों में या तो दोनों बुक खरीदिएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर में भी आपको समरजीत घोष खरीदना पड़ेगा, तो आप दोनों बुक खरीदिएगा तो अच्छी बात है, नहीं खरीदना चाहते तो आप सोचिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को 150 पेज का नोट्स बना लेना है, 150 पेज का नोट्स बना लेना है, और यही आप लोगों का ये टॉपिक रहेगा। टोटल हमको पढ़ाने में कितना समय लगने वाला है, टोटल कितना वीडियो लेक्चर हम प्रोवाइड करेंगे तब कि ये आपका सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो इसमें आपको 60 वीडियो 55-60 वीडियो 55 से लेकर 60 वीडियो लेक्चर अगर हम प्रोवाइड कर देंगे तो आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। सारा वीडियो 25 मिनट और 30 मिनट के बीच में होगा, एक आगो वीडियो होगा जो बहुत लंबा चल जाएगा लेकिन वो अलग बात है, लेकिन सारा वीडियो ऐसे भी मेरा स्टैंडर्ड यही रहता है 25 से 30 के बीच में हम वीडियो को रखना चाहते हैं, 25 और 30 मिनट के बीच में सारा वीडियो होगा। 55 से 60 वीडियो जब हम प्रोवाइड कर देंगे तो आपका ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा, समझ गए ना, सारा टॉपिक ये क्या हो जाएगा भाई, खत्म हो जाएगा 55 से 60 वीडियो में, 25-30 मिनट का सारा वीडियो इसमें रहने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन सब कुछ समझ में आया होगा, क्या क्या चीज़ आप लोगों को पढ़ना है, कौन सा बुक से पढ़ना है, कैसा नोट्स बनाना है, ठीक है ना। ये आई होप कि आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आया होगा, ठीक है। लग जाइए एकदम ठान के, लग जाइए, जितना दुनियादारी है ये वो लंद फंद मारा मारी है, ये सब इधर उधर का काम है, सब काम भूल जाइए, घर द्वार सब भूल जाइए, एक साल भूल के रहिए, एक साल मत सोचिए कि हमारा पापा बुला रहे हैं, मम्मी बुला रहे हैं, बीवी बुला रही है, ये बुला रही है, वो बुला रही है, दीदी बुला रही है, जो बुला रही है सबको बुलाने दो, कहीं नहीं जाना है रूम को छोड़कर। एक साल अगर आप कहीं नहीं गए, गारंटी के साथ आप एकदम NTPC या PGCIL का वो टैग लगा लीजिएगा अपने शरीर पे, समझ गए, याद रखिएगा बाबू। और अगर आप मेरा बात नहीं माने तब तो भाई आप खुद जानते हैं क्या होगा, जो हम बोल रहे हैं उस अनुसार से करो, तुम जो सोच रहा है वो तुमको मिल जाएगा, और तुम अपने अनुसार से करेगा तो हम 11 साल से देखते आ रहे हैं, 11 साल से हम पॉलिटेक्निक को पढ़ा रहे हैं, 11 साल से देखते आ रहे हैं, जो अपने अनुसार से करते आया है वो भी आज तक अपने अनुसार से कर रहा है और किसी का बात पास भी नहीं होने देता है, समझाएंगे उसको तो हमारे समझाने लगेगा। खैर ये सब अलग बात है, आप लोग मेहनत कीजिए, सब लोग मेहनत कीजिए, सारे बच्चे लोग मेहनत कीजिए, हम चाहते हैं मेरा हम कब सक्सेसफुल होंगे, जब आप सक्सेस कर जाइएगा, आपको नौकरी लग जाएगा तो हम आपको बैच में बुलाएंगे और कहेंगे बोलो रे केरा से पढ़ा था, तो बोलेगा हम रणधीर सर से पढ़े थे, आपको नौकरी लग गया, हम आपको नौकरी दिला दिए, नहीं तो तेरा हिम्मत है तू अपने से पढ़ के नौकरी ले लेगा, इस भ्रम में मत रहना, तुम सोचेगा कि हम अपने अकेले पढ़े रिविजन करें ये करें वो करें हमारा नौकरी लग जाए तो इस भ्रम है, इस समय ऐसे नहीं होता है, जब तक तुम्हारे पीछे कोई मेहनत करने वाला नहीं रहेगा, तुम इतना बड़ा कैसे हुआ है क्योंकि तुम्हारे पीछे तुम्हारे पापा मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे पापा वहाँ मेहनत करते हैं, तुमको पैसा देते हैं तो तुम अपने आप को ग्रो कर रहे हो, तुम्हारा एजुकेशन कैसे बढ़ रहा है क्योंकि तुम्हारे पीछे हम मेहनत कर रहे हैं, हम तुमको पढ़ाते हैं समझाते हैं बताने का कोशिश करते हैं तो तुम वो चीज़ समझता है तो तुम अपना एजुकेशन लेवल को ग्रो करवा रहा है बढ़ा रहा है। हर किसी भी आदमी कोई भी चीज़ अगर ग्रोथ करता है तो उसके पीछे किसी ना किसी का सहारा होता है, अकेले कोई कुछ नहीं किया है इस धरती पर, अकेले कोई कुछ नहीं किया है, सिकंदर भी इतना बड़ा शहंशाह हुआ था अकेले नहीं लड़ता था, पीछे सैनिक रखता था, ठीक है ना। खैर छोड़ो इस बात को, मेहनत कीजिएगा भाई,
फिफ्थ सेमेस्टर है, इसके बाद सिक्स सेमेस्टर है, इसके बाद आपका कोई सेमेस्टर नहीं है, कॉलेज से नाम कट जाएगा, कॉलेज से सब कुछ मिल जाएगा, फिर आपको एग्ज़ाम देना है। पॉइंट क्लियर, इतना ही दिमाग में रखना है। मेरा टॉपिक ये है ना, ये टॉपिक में यही इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो ये टॉपिक है और ये टॉपिक, ये जिस देखिए ये तीनों का, ये यहाँ पर जो जितना है, ये तीनों का तीनों कंट्रोल सिस्टम का ही पार्ट है। कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स, कंट्रोलर एंड कंट्रोल एक्शन, ये तीनों तीनों कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है जो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। तो ये उस व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सिक्स सेमेस्टर में वो चीज़ पढ़ना है, तो उसके व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक सिक्स सेमेस्टर में नहीं दिया है, अगर सिक्स सेमेस्टर में पूरा इसम सब मिला के देता ना होता, सिक्स सेमेस्टर में कभी खत्म नहीं होता था, 20 यूनिट बन जाता। ऑलरेडी कंट्रोल सिस्टम में, लीनियर कंट्रोल सिस्टम में 11 गो यूनिट है, सब धासु धासु यूनिट है, तो इसीलिए अभी ये दिया है, ठीक है ना। ये जो टॉपिक है आप लोगों को सिक्स सेमेस्टर में माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना, दिस वन ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको समझ में। तो ये सब टॉपिक है आप लोगों को, आप लोग इसको मन से पढ़िएगा भाई, अच्छा से पढ़िएगा, एकदम दिमाग लगा के पढ़िएगा। हालांकि ये इस सेमेस्टर के लिए, फिफ्थ सेमेस्टर में सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाए, मशीन की तरह पावर सिस्टम की तरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये सिक्स सेमेस्टर में ये सब टॉपिक का इस्तेमाल हम करेंगे। सिक्स सेमेस्टर में बोलेंगे कि फिफ्थ सेमेस्टर में हम पढ़ाए थे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, फिफ्थ सेमेस्टर में हम ये चीज़ पढ़ाए थे, आप पढ़े कि नहीं पढ़े आप पढ़िए, ठीक है ना। तो यही आप लोगों का है, तो हम बात करेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑटोमेशन किसे कहा जाता है, इसका क्या ज़रूरत पड़ा है, इसका क्या क्या चीज़ रोल है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कंट्रोल सिस्टम, ठीक। तो थैंक यू आज इतना ही दूर तक, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मेरा पहला वीडियो आएगा ऑटोमेशन का, ठीक। थैंक यू आज इतना ही दूर तक, ठीक, थैंक यू।